वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जो YouTube वीडियो को आप गैलरी पर सेव कर सकते हैं। तो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपना YouTube वीडियो जो है वो गैलरी पर कैसे आप सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये कोई भी अपने जो आपके जो YouTube है उस YouTube पर ऐसा जो ऑप्शन आपके नहीं दिया गया है जो आप वो YouTube वीडियोज़ को अपनी गैलरी पर उसे सेव कर सकते हैं। तो सिंपली आप अगर उस पर सेव करते हो, डाउनलोड पर ऑप्शन पर जो क्लिक करके जो उसे डाउनलोड करते हो, तो वो जो वीडियो है वो गैलरी पर सेव नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो अपनी गैलरी पर उस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डाउनलोड करके, तो ये जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है, तो ये जो डाउनलोड हो चुका है ये गैलरी पर सेव नहीं हुआ है। अगर आप इसे गैलरी पर जाकर इसे खोजो तो आपको ये जो वीडियो है वो नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको ये वीडियो नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेगा, एक भी जगह नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर डाउनलोड में भी वो वीडियो है ही नहीं। तो वो जो वीडियो है वो दूसरा वीडियो है, वो आवर इंट्रो चैनल वाली बेल आइकन इंट्रो है। तो आप बात करते हैं कि कैसे हम उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन की गैलरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है। या तो आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, सिंपली आप कोई भी अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो गूगल ओपन कर लेना है ब्राउज़र से। तो जैसे कि मैं यूजी ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ, तो वहाँ से गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपको टाइप करना है सेव फ्रॉम नेट, टाइप कर लीजिए। सेव फ्रॉम नेट टाइप कर लेने का जो पहला वाला है उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। सिंपली आप पहला वाला जो क्लिक है उस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल द ऐप पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे इंस्टॉल करके कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का उसका पहला इंटरफेस रहेगा। तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा टैप करके, उसके बाद आपको इसे मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब पर जाना है। सिंपली मैं अपने यूट्यूब पर जा रहा हूँ। यूट्यूब पर जाने के बाद जो ये बेल आइकन इंट्रो है उसे मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे। आपको अभी डाउनलोड पर क्लिक नहीं करना है। चलिए मैं आपको एक सबूत के लिए इस डिलीट फ्रॉम डाउनलोड्स को भी ऑफलाइन के लिए जो मैंने सेव किया उसे जो है डिलीट कर देता हूँ। तो इसे डिलीट कर देने के बाद मैं इसे शेयर पर क्लिक करूँगा। शेयर पर क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से उस एप्लीकेशन पर जाना है, सेव फ्रॉम एप्लीकेशन पर जाना है। सिंपली आप सेव फ्रॉम एप्लीकेशन पर जाए, तो सेव फ्रॉम एप्लीकेशन पर जाने के बाद कुछ ये लोडिंग लेगा इस टाइप का। उस पर जो वो इस तरीके का आपका जो वीडियो है वो वीडियो आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा। तो आपको कौन सा क्वालिटी पर वीडियो चाहिए आप वो क्वालिटी पर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे MP4 720p HD क्वालिटी पर चाहिए, तो आप इस डाउनलोड पर ऑप्शन पर क्लिक कर दो, जो डाउनलोडिंग है ऑटोमेटिकली ऊपर में जो आपका स्टार्ट हो चुका होगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।